हेलो एंड वेलकम, मेरा प्यार भरा सलाम आप सभी को। तो आज हमारे घर में बन रहा है चटपटी मटन चाप धुआं रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं, आपको हम बताते हैं कैसे बनेगा। पहले रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 kg मटन चाप। ये हमने अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख लिया है ताकि इसका सारा पानी नीचे आ जाए, इसका पानी रिस जाए। अब हमने यहाँ पर एक कुकर लिया है, प्रेशर कुकर, इसको हम बॉयल करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो चापें ली हैं वो डबल चाप है, आप देख पाएंगे ये 2 ribs एक में जॉइंड है, क्योंकि यूजुअली जो मटन चाप हम यूज़ करते हैं उसमें सिंगल चाप में इतना मीट नहीं होता है, इसलिए हमने डबल चाप ली है। सारी चॉप्स एंड मीट हम कुकर में ऐड करने के बाद ऐड करने वाले हैं 2 tablespoon फुल अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, ये हमने लिया है फुल 1 tablespoon। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो 1/2 tablespoon लाल मिर्च पाउडर एंड 1/2 tablespoon कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 1 tablespoon हल्दी पाउडर और हम ऐड ऑन करेंगे 1 tablespoon धनिया पाउडर। और हमने यहाँ पे लिया है गरम मसाला, ये हमने लिया है 1 teaspoon, ये हम ऐड ऑन कर देंगे। ये हम होममेड यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं। इसमें ऐड कर रहे हैं पानी, ये हमने इतना पानी लेना है कि ये इसी में एब्जॉर्ब हो जाए एंड हमारे जो मटन चाप हैं वो अच्छे से गल जाए एंड हमें सिर्फ इसे 80% ही कुक करना है। तो चलिए अब हम इसे बॉयल कर लेंगे, हमें इसे अप्रॉक्स 80% कुक करना है। पहले इसे हम फुल फ्लेम पे रखेंगे, फिर इसे हम धीमा कर देंगे। जब तक ये हमारे चॉप्स कुक हो रहे हैं तब तक ये हम बाकी की चीज़ें रेडी कर लेंगे। शायद पापा भी आ गए हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा, एंड एज यूजुअल पापा खूब सारा सामान लाए हैं, लाइए मैं हेल्प करा दूँ। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं एंड एज यूजुअल कुछ मीठा है माशाल्लाह से। पानी पियेंगे पापा जी। हमने यहाँ पे अपना बोल लिया है, यहाँ पे हम मसाला रेडी करेंगे। हमने ये एक प्याज ली है, इसको हम करेंगे चॉप। प्याज हमने रफली चॉप कर ली है, अब हम इसमें ऐड ऑन करेंगे 4 से 5 लहसुन के जवे और हम ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें और इसमें ऐड करेंगे हम 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और इसमें हम ऐड करेंगे नमक। ये हमने थोड़ा सा नमक ऐड ऑन कर लिया है। अब इसका एक हम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, इसको अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और पीस लेंगे। इसमें हम बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड ऑन करेंगे, चाहे तो हम थोड़ा सा तेल ऐड ऑन कर सकते हैं इसको पीसने के लिए, क्योंकि अनियन भी अपना पानी छोड़ती है, इसलिए हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे इस पेस्ट को पीसने के लिए। तो ये हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है एंड कुछ ऐसा लग रहा है। मीनवाइल हमारी चापे भी 80% कुक हो चुकी हैं एंड बॉयल होने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी चाप बहुत अच्छी तरीके से कुक हुई है 80% एंड जो हमने चाप ली थी ये डबल चाप है, जैसे आप देख पाएंगे ये 2 bones जॉइंड हैं। तो हमारी मटन चाप 80% कुक हो चुकी है, बट स्टिल आप देख पाएंगे इसमें थोड़ा सा पानी है, तो उसको हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे जिससे ये पानी एंड जो स्पाइसेस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए मटन चाप के थ्रू। आप देख पाएंगे अभी हमारा जो चाप है वो 80% कुक हो चुका है, बट यहाँ पे थोड़ा पानी है, तो ये हमारा ग्रेवी में ही ऐड हो जाएगा, तो आपको इसको जलाना नहीं है एंड ऐसे ये रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये बिल्कुल 80% कुक हो चुका है, रेडी है, इसको हम साइड में रख देंगे एंड अब हम मसाला रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने लोहे की कढ़ाई ली है, आप चाहें तो कोई भी पैन ले सकते हैं या एल्युमिनियम कढ़ाई भी ले सकते हैं या तो कुकर में भी रेडी कर सकते हैं, बट हमने लोहे की कढ़ाई इसलिए ली है क्योंकि इससे थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आएगा। अब इसका जो पानी है वो हम जला लेंगे। 1 large spoon ऑयल ऐड करा है इसमें, ज़्यादा ऑयल नहीं हमें ऐड करना है, ये ऑयल हम पहले अच्छे से
गरम कर लेंगे। एंड गरम करने के बाद जब इसमें से धुआं आने लगेगा, धुआं अच्छा खासा आने के बाद इसे हम धीमा करके तब अपना मसाला हम बॉईल करेंगे। हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। हमने चिमनी ऑन कर दी है ताकि इसका जो भी वेपर्स हैं ऑयल के वो चिमनी के थ्रू चले जाएँ। एंड जो ये तेल है बहुत स्मोकी फ्लेवर देगा मटन चाप को। जैसे ही तेल से स्मोक रिलीज़ होने लगेगा वैसे ही इसको हम बंद कर देंगे। में जब स्मोक आने लगा था तो हमने गैस को ऑफ़ कर दिया था, हम गैस को फिर से ऑन करेंगे। एंड अब हम अपना मसाला ऐड करेंगे। जो हमने प्याज, स्पाइसेस, नमक ये पीसा था साथ में, इसको हम बहुत ही आराम से तेल में ऐड करेंगे। हम इसको तब तक के भूनेंगे जब तक के तेल और जो मसाला है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे तेल में। अब जब तक ये मसाला भुनेगा हम और चीज़ें रेडी कर लेते हैं। हमने मोर देन हाफ कप दही लिया है, इसमें हम ऐड ऑन करेंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये हमने लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और हमने लिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून लिया है काली मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने सारे मसाले दही में खूब अच्छे से मिला लिए हैं। इसको हम सेपरेट रख देंगे अभी और अपना मसाला चेक करेंगे। मसाले का स्टेटस कुछ ऐसा है, हमें इन्हें तब तक ये भूनना है जब तक ये कैरमलाइज नहीं हो जाती, थोड़ी ब्राउन कलर आ जाएगा प्याज में। इसमें हमने पानी इसलिए नहीं ऐड करा था क्योंकि इसको भूनने में फिर परेशानी होती। इसको हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। हमारा मसाला थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो चुका है, ये जले ना इसको स्टॉप करने के लिए हम इसमें सिर्फ 1 स्पून दही ऐड करेंगे। हमें अपनी प्याज को काला नहीं होने देना है, सिर्फ इसे ब्राउन करना है। अब हमारी प्याज परफेक्टली ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे दही और जो मसाले हमने इसमें ऐड करे थे। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि दही का भी अच्छा खासा पानी होता है जो भुनने में यूज़ होगा। अब ये जो शोरबा होता है इसमें मेन टेस्ट होता है, तो इसको हमें बिल्कुल भी बॉईल ज़्यादा नहीं करना है। एंड अगर ये रहता भी है तो हम इसे डायरेक्ट ग्रेवी में ऐड कर देंगे। तो हम इसे ऐसे ग्रेवी में ऐड करेंगे। इससे अलग ही टेक्सचर एंड टेस्ट आएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है हमारी ग्रेवी का। इसके बाद तो अब हम सारा ऐड कर देंगे इसका ग्रेवी इसमें। हमारा मसाला भुनने के बाद आप देख पाएंगे तेल और मसाला सेपरेट हो रहा है। एंड आप देख पाएंगे कितना प्यारा कलर है इसका एंड बहुत ही प्यारा टेक्सचर है इसका। अभी से इसमें बहुत प्यारी स्मेल आ रही है माशाल्लाह से। अब ये हमारा परफेक्ट टेक्सचर कलर आ चुका है एंड आप देख पाएंगे मसाला और तेल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो अब हम बिल्कुल गैस को बंद कर देंगे एंड इसमें ऐड करेंगे अपनी चापें। ग्रेवी था वो तो हमने पहले ही ऐड कर दिया था, अब हम इसमें अपनी चाप ऐड करेंगे। ये देखिए कितनी परफेक्ट चाप है, ये हम ऐड कर देंगे इसमें। अब हम गैस को ऑन कर देंगे ताकि जो हमारा 20% मटन चाप रह गया है कुक होने के लिए वो कुक हो जाए। इसमें 5 to 10 minutes के लिए इन्हें सिम पे कुक कर लेंगे एंड जो हमारा तेल है वो भी ऊपर आ जाएगा। तो अब हम इसे ढक के सिम पे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि ये बिल्कुल रेडी हो जाए एंड हमारा जो ग्रेवी का तेल है वो भी ऊपर आ जाए। तो अब हम इसे ढक लेंगे। 5 से 10 मिनट हो गए हैं और ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है एंड कुक हो चुका है। हमारी ग्रेवी का भी परफेक्ट टेक्सचर है। तो इस स्टेज पे अब हम एक सर्विंग बोल लेंगे और इसे उसमें निकाल लेंगे। हमने सर्विंग बोल में निकाल लिया है एंड ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी चॉप्ड कोरिएंडर ली है, धनिया लिया है और नींबू लिया है। नींबू अगर हमारा दही सादा था इसलिए हम नींबू ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा ताकि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अगर आपका दही थोड़ा सा भी खट्टा है तो आप नींबू ऐड ना करिएगा। एंड अब हमने थोड़ी सी धनिया ऐड की है इसमें।
अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसके ऊपर रखेंगे कोल। ये हमने एक स्टील की कटोरी ली है, उसमें डाला है कोयला और इसमें डाला है हमने घी। अब ये घी से जो धुआं निकलेगा इसको हम ढक देंगे कुछ इस तरीके से, एंड बहुत ही प्यारा और अच्छा स्मोकी फ्लेवर इसमें आएगा। ये जो कोयले का धुआं है ये बहुत ही प्यारा स्मोकी फ्लेवर देने वाला है। अब हमारी मटन चाप में बहुत अच्छे तरीके से धुआं एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। ट्रस्ट मी, बहुत ही प्यारी स्मोकी फ्लेवर आ रहा है इसमें से। इसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारी चटपटी मटन चाप धुआं रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। आप भी ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंचें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। आप भी आइए हमारे साथ, बिस्मिल्लाह कीजिए।